बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज। देखो ये जो 30,000 का बजट है ना, उसमें हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। एंड मोबाइल फोन जो है, चाहे जितने मर्जी ब्रांड्स के हो मार्केट में, लेकिन एक सैमसंग का जो ट्रस्ट फैक्टर है ना, दैट इज टोटली अनबीटेबल। ये वीडियो उसी टॉपिक पे है, बेस्ट सैमसंग फोन अंडर 30,000 रुपीज। एकदम ही बेस्ट इन क्लास कैमरा, पावरफुल प्रोसेसर, स्मूथ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डिस्प्ले, ये सब कुछ आपको मेरी लिस्ट के हर एक फोन में देखने को जरूर मिलेगा 100%। सो विदाउट फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला सैमसंग का स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज है सैमसंग गैलेक्सी A33 5G। इसका जो प्राइस है दैट इज अराउंड 30,000 रुपीज। एंड फोन में हमें 6.4 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, 2400x1080 पिक्सल्स, 90Hz का इसमें रिफ्रेश रेट है, प्रोटेक्टेड बाय गोरिल्ला ग्लास 5, एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर जिसका अंतुतु स्कोर अराउंड 4 लाख के करीब है। एंड ये जो मॉडल है वो 8GB प्लस 128GB वाला मॉडल है, हाइब्रिड सिम स्लॉट। एंड देखो फोन के कैमरा की अगर बात करें तो फोन की बैक साइड पे क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 48MP का मेन कैमरा, 8MP का अल्ट्रा एंड 5MP का मैक्रो प्लस 2MP का डेप्थ सेंसर है। एंड आफ्टर ऑल दिस इसमें 13MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। अब इसके जो कैमराज है उनपे आप 4K एट 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो, 1080p रिकॉर्ड कर सकते हो एट 30 एंड 60fps। 5G के टोटल 12 बैंड्स को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी मिलती है, टाइप सी केबल। एंड ये जो स्मार्टफोन है वो 25W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, बट एक चक्कर है कि इसके साथ हमें अडैप्टर नहीं मिलता, यू हैव टू बाय इट सेपरेटली। एंड्रॉइड 12 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, IP67 रेटिंग, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया फोन के, ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर को भी सपोर्ट करता है। एंड 4 सालों की सॉफ्टवेयर अपडेट मिलती है इसमें, प्लस 5 सालों की सिक्योरिटी अपडेट्स भी मिल जाती हैं। एकदम ही बढ़िया सैमसंग का स्मार्टफोन है, आप इसे जरूर कंसीडर कर सकते हो। एंड ये जो स्मार्टफोन है स्पेशली इसका बहुत ही पॉजिटिव रिस्पॉन्स है मार्केट में, डू कंसीडर दिस वन। इसका जो बेस्ट बाय लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। नेक्स्ट पे सैमसंग स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज इज सैमसंग गैलेक्सी M33 5G। अब इसके प्राइस पे थोड़ा ध्यान दो। देखो 20,500 रुपए में ये फोन हमें मिल रहा है अमेजोन पे, एंड 19,500 में ये स्मार्टफोन हमें मिल रहा है फ्लिपकार्ट के ऊपर। 6.6 इंचेस की फुल एचडी प्लस TFT डिस्प्ले है, 2400x1080 पिक्सल्स, 120Hz का रिफ्रेश रेट दिया गया, प्रोटेक्टेड बाय गोरिल्ला ग्लास 5, एक्सिनोस 1280 प्रोसेसर है, 5nm बेस्ड, अंतुतु स्कोर इसका भी अराउंड 4 लाख के करीब है, 8GB रैम प्लस 8GB वर्चुअल, 128GB स्टोरेज, डुअल सिम प्लस माइक्रो SSD। इस स्मार्टफोन के अंदर भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 50MP का मेन कैमरा, 5MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का मैक्रो एंड 2MP का डेप्थ सेंसर है। एंड आफ्टर ऑल दिस इसमें हमें 8MP का फ्रंट सेल्फी कैमरा मिल जाता है। मेन कैमरा से 4K एट 30fps एंड 1080p एट 30fps रिकॉर्ड कर सकते हो, एंड जो इसका सेल्फी कैमरा उससे हम कर सकते हैं 1080p एट 30fps। ये भी 5G स्मार्टफोन है, 12 बैंड्स को सपोर्ट करता है। देखो आप में से जिसे भी अपने फोन के अंदर एकदम ही मैसिव बैटरी कैपेसिटी चाहिए, अंडर 30,000 के बजट में ये स्मार्टफोन 6,000mAh की बैटरी कैपेसिटी के साथ मिलता है। एंड मेरी लिस्ट के बाकी सभी स्मार्टफोन्स के कंपैरिजन में सबसे ज्यादा बैटरी इसी स्मार्टफोन में है, तो ये भी एक काफी बड़ा प्लस पॉइंट हो जाता है। एंड 25W की चार्जिंग को ये सपोर्ट करता है, टाइप C2C, एंड अडैप्टर साथ में नहीं मिलेगा। एंड्रॉइड 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया फोन में, सेकेंडरी नॉइस कैंसिलेशन माइक, ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर को भी ये सपोर्ट करता है, नॉक सिक्योरिटी, 2 सालों की सॉफ्टवेयर अपडेट एंड 4 सालों की सिक्योरिटी अपडेट, वॉइस फोकस फीचर मिल जाता है फोन के अंदर फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस। ओवरऑल देखा जाए एकदम ही बढ़िया स्मार्टफोन है, एंड आप में से जिसका भी बजट अराउंड 20-21,000 रुपए ना, आंखें बंद करके आप इस स्मार्टफोन को बाय कर सकते हो। एकदम ही बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन है, इतने बढ़िया फीचर्स के साथ आपको मिल रहा है, बिल्कुल छोड़ने वाली तो डील ही नहीं है। नेक्स्ट बेस्ट फोन अंडर 30,000 रुपीज इज सैमसंग गैलेक्सी A52s 5G। एंड ये भी स्मार्टफोन आपको अंडर 30,000 रुपीज में मिल जाएगा। प्राइसिंग को चेक करना हो तो मैंने दोनों वेबसाइट के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है, तो आप वहां पे जाके इनकी प्राइसिंग को चेक कर सकते हो। 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले मिल जाती है, इन्फिनिटी ओ डिस्प्ले है, 2400x1080 पिक्सल्स, गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 120Hz का रिफ्रेश रेट है। एंड इस स्मार्टफोन में हमें 800 nits की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। प्रोसेसर दिया गया स्नैपड्रैगन 778G, एकदम ही पावरफुल प्रोसेसर है, 6GB रैम, 128GB स्टोरेज, हाइब्रिड डुअल सिम, एंड इसमें भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है, 64MP का मेन कैमरा, 12MP का अल्ट्रा वाइड, 5MP का मैक्रो एंड 5MP का डेप्थ सेंसर है। एंड इसका जो सेल्फी कैमरा दैट इज ऑफ 32MP फ्रंट एंड मेन कैमरा, इन दोनों से आप 4K एट 30fps एंड 1080p एट 30 एंड 60fps, ये सारी चीजें आप कैमरा से कर सकते हो। 5G के 12 बैंड्स को ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी है, टाइप सी, 15W का चार्जर इंक्लूडेड मिलेगा हमें फोन के साथ, लेकिन ये स्मार्टफोन 25W तक की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। एंड देखो जब हम 25W के चार्जर को यूज करते हैं तो 1.5 घंटे के अंदर इसकी बैटरी फुल चार्ज हो जाती है, एंड 15W के चार्जर को यूज करें तो 1 घंटा और 50 मिनट लगते हैं इसकी बैटरी को फुल चार्ज होने में, फ्रॉम 0 to 100%, लेकिन 15W का चार्जर हमें फोन के साथ ही मिल जाएगा। एंड्रॉइड 11 मिलेगा आउट ऑफ द बॉक्स, IP67 रेटिंग, 84.9% स्क्रीन टू बॉडी रेशियो है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया है, सेकेंडरी माइक, एंड 3 सालों की सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिल जाती है स्मार्टफोन के अंदर। एकदम ही बढ़िया फोन है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जस्ट गो फॉर इट।
एंड अगला स्मार्टफोन अंडर 30,000 रुपीज है सैमसंग M53 5G। इसके भी प्राइस में अराउंड 1,000 रुपए का फर्क है ऑन Amazon एंड Flipkart, लेकिन अंडर 30,000 में ये जो स्मार्टफोन है वो दोनों वेबसाइट पे इजीली मिल जाता है आफ्टर कैलकुलेटिंग ऑल द डिस्काउंट्स एंड ऑल। 6.7 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 2400x1080 पिक्सल्स, गोरिल्ला ग्लास 5K प्रोटेक्शन, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 प्रोसेसर दिया गया है विच इज 6 NM बेस्ड प्रोसेसर जिसका अंतुतु स्कोर अराउंड 4,30,000 के करीब है। 8GB रैम प्लस 8GB वर्चुअल, 128GB स्टोरेज मिलते हैं, हाइब्रिड सिम स्लॉट है एंड इस स्मार्टफोन में भी हमें क्वाड कैमरा सेटअप दिया गया है। एंड इसका जो कैमरा है ना, लेट मी टेल यू गाइस वन थिंग कि ये कैमरा अनबीटेबल है। इसकी जो फोटोज आती है ना वो एकदम वन ऑफ द बेस्ट है। 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ एंड 2 मेगापिक्सल का मैक्रो, 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। फ्रंट एंड बैक दोनों से 4K 30fps इजीली रिकॉर्ड होती बिना किसी दिक्कत के। 12 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 5000mAh की बैटरी कैपेसिटी है, USB Type-C2C केबल, 25W की चार्जिंग को स्मार्टफोन सपोर्ट करता है, लेकिन अडैप्टर हमें साथ में नहीं मिलेगा, वी हैव टू बाय इट सेपरेटली। 1 UI 4 मिलेगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 12 आउट ऑफ द बॉक्स, सेकेंडरी माइक फॉर नॉइस कैंसिलेशन, इंटेलिजेंट वॉइस फोकस फॉर बेटर कॉलिंग एक्सपीरियंस, ऑब्जेक्ट इरेजर फीचर को सपोर्ट करता है, नॉक सिक्योरिटी सपोर्ट, ऑटो डेटा स्विचिंग जैसे फीचर की भी सपोर्ट हमें इस स्मार्टफोन के अंदर मिल जाती है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर प्लस फेस अनलॉक, 2 सालों की सॉफ्टवेयर अपडेट्स एंड 4 सालों की सिक्योरिटी पैच भी मिल जाती है। एकदम ही हाईली रिकमेंडेड फोन है मेरी तरफ से, जरूर कंसीडर करो, लिंक इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर है। एंड अगला जो स्मार्टफोन है दैट इज सैमसंग गैलेक्सी S20 FE 5G, अराउंड 31,000 रुपीज इसका करंट प्राइस है। 6.5 इंचेस की फुल एचडी प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले, 2400x1080 पिक्सल्स, 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 की प्रोटेक्शन है, एशिया 10 क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 865 प्रोसेसर है जिसका जो अंतुतु स्कोर है दैट इज अराउंड 6,25,000, 8GB रैम 128GB स्टोरेज वाला वेरियंट है, 12 MP का डुअल पिक्सल OIS मेन कैमरा दिया गया, 12 MP का अल्ट्रा वाइड एंड 8 MP का टेलीफोन। After all this, फ्रंट कैमरा जो मिल जाता है that is of 32 megapixel. देखो मेन एंड फ्रंट कैमरा इन दोनों से हम 4K 30+60fps रिकॉर्ड कर सकते हैं एंड 1080p 30+60, यानी कि कैमरा वन ऑफ द बेस्ट है इसका भी। 9 5G बैंड्स को सपोर्ट करता है, 4500mAh की बैटरी कैपेसिटी, Type-A to C, 15W का चार्जर इंक्लूडेड मिलेगा, सपोर्ट्स 25W की चार्जिंग एज वेल। अभी थोड़ा ध्यान दो, देखो 15W के चार्जर से हम जब चार्ज करते हैं 1 घंटा 50 मिनट लगेंगे फ्रॉम 0 to 100% बैटरी, लेकिन 25W के चार्जर से जब हम इसे चार्ज करते हैं तो 27% के करीब हो जाती है आधे घंटे में, 68 to 70% के करीब हो जाती है 60 मिनट के अंदर एंड 1.5 घंटे के अंदर फुल चार्ज हो जाती है फ्रॉम 0 to 100%। एंड्रॉइड 12 मिलता है आउट ऑफ द बॉक्स, प्लास्टिक बैक, मेटल फ्रेम, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर दिया गया, IP68, वायरलेस चार्जिंग प्लस रिवर्स वायरलेस चार्जिंग को भी ये स्मार्टफोन सपोर्ट करता है। यार एकदम ही बेस्ट स्मार्टफोन है, आप इसे जरूर कंसिडर करना, मेरी तरफ से ये भी स्मार्टफोन हाईली रिकमेंडेड है। एंड पांचों के पांचों स्मार्टफोन के जो बेस्ट बाय लिंक्स है वो सारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मैंने ऐड कर दिए हैं, लेकिन आपने एक चीज करनी है कि आपको इन पांचों में से सबसे बेहतरीन स्मार्टफोन कौन सा लगा अंडर 30,000 रुपीज, वो मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर से बताना है। एंड अगली जो वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए वो भी मुझे आपने कमेंट सेक्शन में जरूर से मेंशन करके बतानी है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस, वीडियो अगर आपको बढ़िया लगी तो प्लीज यार लाइक एंड शेयर करो, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, पीस आउट।